सब तो पहला असी जथेदार जगतार सिंह जी हवारा कमेटी वालों अखंड कीर्ति जत्था बबलू माइक थले रखो यार मुंह थोड़ा पा रहे इतने पुजिया सारिया पंथक जथेबंदियों वालों समुचे खालसा पंथ नूं विसाखी की लख लख वधाई दिंदे आ। अज के दिन श्री अकाल तख्त साहब के विखे अखंड कीर्ति जत्थे के मुखी जथेदार भाई बख्शीश सिंह जी ने 13 सिंह जो कि 1978 की विसाखी वाले दिन नकली निरंकारिया के नाल हथों शहीद होए सीगे उन्हां दी याद नूं समर्पित अरदास बेनती जथेदार बख्शीश सिंह जी ने की है। ते जिथे अरदास करदिआं होइआं उन्होंने समुचे खालसा पंथ लई जाचना की है लोचड़ा की है कि सच्चे पातशाह इन्हां शहीदां दे पाए हुए पूर्णियां दे उत्ते असीं चल सकीए ते नाल दे नाल उन्होंने सरबत खालसा वालों थापे श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार भाई जगतार सिंह जी हवारा अते बाकी दे बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते भी अरदास बेनती जथेदार बख्शीश सिंह जी ने की है। उस उपरंत असी बाहर आ करके जथेदार जगतार सिंह जी हवारा का संदेश जिहड़ा है वह समुचे खालसा पंथ के नाल इत्थे सांझा करन जा रहे हैं। 1978 विसाखी के शहीदों तो प्रेरणा लैके कौमी मंजिल दे पांधी बणीए सत्कारयोग गुरु रूप खालसा जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अगे आ जाओ भाई साहब जी 13 अप्रैल 1978 मौजूदा सिख इतिहास का वह सुनहरी पन्ना है जिस दिन नकली निरंकारियों के रूप में सिख कौम उत्ते हो रहे हिंदुस्तानी हमले का जवाब देने लई 13 दशमेश पिता के सचियार सूरबीर खालसिया ने अपना आप निछावर कर दिता। ये 13 सूरबीर योधे गुरु की निंदा सुने ना कान के हुक्म अनुसार अपने गुरु साहिबान अते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी ना सहारते हुए शहादत का जाम पी गए। गुरमुख प्यारे भाई फौजा सिंह जी की अगवाई विच गुरु के सिंघां ने अमृतसर की धरती से अपनियां शहादतां नाल इहो जी लो जगाई जो कि अज तक साडे लई चानण मुनारा है। अमृतसर की पवित्र धरती से शहीदी पाउण वाले इन्हां गुरसिखां ने सतगुरां दे उपदेश अनुसार जीवन ढालिया होया सीगा। उन्हां दे हिरदे विच अते रसना उत्ते वाहिगुरु दी वसदा सीगा अते चित विच धर्म युद्ध दा चा सी। सिख इतिहास तो सेध लै के इन्हां सूरियां ने दृढ़ किया होया सी कि वड्डी तो वड्डी विपता वेले भी नाम सिमरन अते सिखी दे आदर्शां अते असूलां नूं नहीं त्यागना। नाम रंग रत्रे गुरसिख जन अते परोपकारी वीर रसीए गुरसिख गुरु नंदकां वल्लों सरकारी शह ते सिखां लई प्राण प्यारे गुरु साहिबान की निंदिया ते निरादरी किस तरह बर्दाश्त कर सकते सन। उस समय उन्हां नूं इंज प्रतीत होया जिवें उन्हां दे शरीर विच्चों खून नूं नचोड़िया गया होवे, उन्हां दा साह खिंचिया गया होवे। फिर सीस तली ते रख के धर्म की राखी लई जूझना गुरमत नाम अभ्यासी कमाई वाले गुरसिखां जना दा करतव सी जो उन्होंने आपा निछावर करके निभा दिता। 1978 दे शहीदां ने अपने आप निछावर करके सुती हुई कौम नूं झंझोड़िया हलूणिया अते जगाया ते कौम दे बच्चे बच्चे नूं आउण वाले कठिन समें लई तैयार बरत्यार रहण दी वंगार पाई। गुरसिखां दीआं शहीदियां ने संसार भर के खालसा पंथ विच एक मुठ ते जथेबंदक होण अते खालसा भाईचारे दे संबंध पक्के करन लई उत्साह फूक दिता। 13 अप्रैल 1978 नूं 13 सिंघां दीआं कुरबानियां ने सिखां दी मौजूदा आज़ादी प्राप्ती दी लहर नूं मुढ बनिया मौजूदा आज़ादी की प्राप्ति लई मुढ बनिया। इतिहास कौमां दे चानण मुनारे हुंदे हन जिन्हां तों सिध लै के कौमां जिउंदियां हन। आओ इन्हां शहीदां दे गुरसिखां दे सिध लै के गुरु वाले बणीए
नाम बाणी विच परपक होइए, सिख कौम की गौरवमई इतिहास तो सीध लईए अते लहू भिजे इस सुनहरी इतिहास अनुसार अपने आप नूं ढालीए अते गुरसिखां दे पाए पूरनियां ते चल के आजाद राज की प्राप्ति लई तत्पर होइए। 13 अप्रैल 1978 दे शहीदां नूं साडी इहो सच्ची सुची श्रद्धांजलि होवेगी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जथेदार जगतार सिंह जी हवारा, गुरु पंता दास, जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। यह संदेश जथेदार साहब वालों 13 सिंघां नूं जिथे श्रद्धांजलियां दित्तियां गईयां ने उत्थे कौम नूं कौम दी आजादी वास्ते आजादी प्राप्त करन वास्ते सारिआं नूं सेध लैण वास्ते वी बेनती कीती है, सुनेहा दित्ता है। अज दे दिन असीं 13 सिंघां नूं समर्पित उहनां नूं समर्पित एक किताबचा जिहड़ा है वह जारी किया है, क्योंकि असीं समझते हाँ कि 44 साल पहला जिहड़ी एक घटना वापरी सीगी इस घटना ने जिथे सानू जगाया है झंझोड़िया है उत्थे नाल दे नाल अज दा जिहड़ा नौजवान है जिहड़ा कि फेसबुक और इंटरनेट दे उत्ते काफ़ी सरगर्म है उस नौजवान नूं इन्हां 13 सिंघां दी जो जीवनी इन्हां दे विच इस किताब दे विच लिखी है वो किस तरीके दे नाल वो 13 सिंघ जिहड़े सीगे नाम दे रंग दे विच रंगे हुए सीगे उन्हां नूं किन्नी बाणी कंठ सीगी नितनेम दी बाणियां दे अलावा बहुते जिहड़े सिंघ सीगे उह सारिआं नूं श्री सुखमनी साहिब दा पाठ श्री आसा दीवार दा पाठ सारा कुछ उन्हां नूं कंठ सीगा। किस तरीके नाल उह कीर्तनीय सीगे किस तरीके नाल सेवा करदे सीगे हुण मैं समझदे हाँ कि वह 13 सिंघां तों अज भी सानूं सेध लैण दी लोड़ है। उन्होंने जो कुछ इस मौजूदा संघर्ष का जो मुढ़ बनिया सीगा अज दे नौजवानां नूं इस किताबचे नूं पढ़ के जिहदे विच कि सारा कुछ दशांश जिहड़ा है मैनशन किया हो गया जिहदे विच लिखिया है कि इस जिहड़ा साका सीगा इहदा पिछोकड़ सीगा की सीगा। मैं पिछोकड़ की गल कुछ शब्दों में तुहाडे नाल सांझी कर लवां। उस वेले दे हालात ये सीगे कि निरंकारी जिहड़े सीगे किसी ना किसी बहाने नाल यह नकली निरंकारी है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का किसी ना किसी तरीके नाल बाणी का किसी ना किसी तरीके नाल सिख सिद्धांतों का किसी ना किसी तरीके नाल मजाक बनाते सीगे। होर उन्होंने 5 प्यारियां थां ते 7 सितारे जिहड़े सी खड़े कीते सीगे। इत्थे तक कि 13 अप्रैल 1978 वाले दिन उन्होंने अमृतसर की पवित्र धरती से एक सम्मेलन किया और सम्मेलन जिहड़ा किया चेते रखियो 1978 दे विच प्रकाश सिंह बादल की सरकार सीगी। प्रकाश सिंह बादल ने अमृतसर दे विच उन्हां नूं मानव एकता सम्मेलन करन दा इजाजत दित्ती मंजूरी दित्ती और उन्होंने एक इत्थे जलूस कढ़िया और उस जलूस दे विच की कीता गया कि जिहड़ा नरकधारियां दा मुखी सीगा गुरबचना उस गुरबचने दे उत्ते चौर चला करके पूरे अमृतसर शहर की संगतां नूं गुरसिखां नूं वंगारिया गया। अखंड कीर्तनी जत्था अते दमदमी टकसाल दे उसले सिंघां ने सांझे तौर ते गुरमता करके अरदास बेनती करके 125 सिंघां दा जत्था जिहड़ा सीगा अमृतसर तों अनबंजी साहिब गुरद्वारा दीवान हाल तों इह जत्था जिहड़ा सीगा अरदास करन दे उपरंत उत्थों तुरिया शांतमई तरीके दे नाल सतनाम वाहिगुरू दा जाप करदियां होईयां संगतां जिस वेले नकली निरंकारियां दे उत्थे डेरे ते पहुंचे उत्थे सम्मेलन च पहुंचे तां उन्हां ने अगों सरकारी शहर दे उत्ते पुलिस ने अते नकली निरंकारियां दे सिपाहियां ने उत्थे सिखां दे उत्ते गोलियां चलातियां तलवारां ते लाठियां नाल हमला करके 13 सिंघ जिहड़े सीगे उत्थे शहीद करते 80 तों वध जिहड़े सिंघ सीगे उत्थे जख्मी हो गए। इह जिहड़ा साका वापरिया बकुआ होया अमृतसर च लेकिन प्रकाश सिंह बादल ने इस दा केस जिहड़ा सीगा उह करनाल लैके गया और केस करनाल जाके बाद सानू इंसाफ नहीं दिता गया बल्कि उह सारे सारे दोषियों नू बरी कर दिता गया। गुरु की खेड ऐसी वापरी गुरु के लाला ने फिर अपने तौर पर खालसे ढंग दे नाल इस दोषियों नू एक एक करके सजावां दित्तियां और गुरु रामदास जी कृपा सदका उस जिहड़े से दोषी सीगे उन्हां सारिआं नू सजावां जिहड़ी सीगियां खालसे ढंग दे नाल खालसे परंपरावां नाल दित्तियां गईयां। सो अज भी असी उसे तरीके का संताप अपनी सिख लीडरशिप के हथों हंडा रहे हाँ। उस वेले
नकली निरंकारियां दी वोटां लैण वास्ते ये सारा कुछ प्रपंच किया गया। तो अज के समय भी देखा जाए गुरमीत राम रहीम दियां अखौती साध दियां वोटां लैण वास्ते उन्हें जिहड़े सवांग रचाए गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे अते जो कुछ भी उन्हें किया इस अखौती जथेदारा ने उसनूं माफ किया। अज भी असी उस वोट राजनीति का माड़ी सिख लीडरशिप के संताप का असी हंडा रहे हाँ। और जिथे तक सवाल है अकाल तख्त साहब के जथेदारा का, यह जथेदार जो कि बादलों की जेब चो निकले ने, दस दईए तुहानूं कि उस वेले भी जिहड़ा सीगा समा ऐसा सीगा ते अज भी जिहड़े जथेदार ने ये जथेदार कौम की गल पंथ की गल नहीं कर रहे। श्री अकाल तख्त साहब के सरबत खालसा के जथेदार भाई साहब भाई जगतार सिंह जी हवारा अं समझते हाँ कि वह ना विके ने ना विकणगे ना डिगे ने ना डिगणगे। वो कौम की चढ़ती कला वास्ते हमेशा अरदास बेनती करते हैं करते ने। तो असी अज समुची जथेबंदियां जिहड़ियां ने